कार्नेशन, कैरियोफाइलस, एंड क्रोमोसोम नंबर 30, फैमिली कैरियोफाइलेसी, ध्यान रखना उसी के स्पीसीज के नाम से कैरियोफाइलेसी, और ओरिजन साउथर्न यूरोप यानी फ्रांस, और इम्पोर्टेंस आपका कट फ्लावर के लिए, ये मैंने वो बता दिया बार बार इम्पोर्टेंस बताने के लिए, कट फ्लावर का है अरेंजमेंट के लिए, बेडिंग प्लांट्स के लिए, डिफरेंट कलर एसेंशियल ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे कार्नेशन से, ठीक है। तो ये आप लोग इसको देख लेंगे, इसमें ये डायंथस ग्रीक वर्ड है, डायोस मीन्स होता गॉड और डिवाइन, एंड एंथोज मीन्स फ्लावर एंड As known as divine flower, इसको divine flower भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, divine flower किसको बोलते हैं, कार्नेशन को, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इंपोर्टेंस में वही सब इंपोर्टेंस है, इसमें हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, वही सब इसका वाइड रेंज है फ्लावर का है, ये सब आपको ट्रांसपोर्टेशन में इजी है इसको ले जाना, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ कार्नेशन, तो परपेचुअल फ्लावरिंग कार्नेशन, गोल्डन पिकोटी टाइप, ये और मालमेशन टाइप के, चार टाइप के होते हैं ये। फिर वेराइटीज, ये डिफरेंट वेराइटीज है, फोटोग्राफ्स के साथ दे रखा है, इसमें बताने के लिए वेराइटी आप लोग खुद को देखना ही, याद रखना कुछ कुछ जितना याद रहे, ये वेराइटीज फोटोग्राफ्स के साथ में वेराइटीज आप देखेंगे। सोइल रिक्वायरमेंट, तो जो भी है सही है आपका सैंडी लॉम सोइल, अगर आप रेजिंग बेड में करते हैं विदाउट ये विथ सोइल मीडिया, अगर मीडियम करते हैं रेज बेड में करते हैं तो सैंडी लॉम सोइल और एसिडिक नेचर आपका, किसी भी क्रॉप में एसिडिक नेचर होना चाहिए, पीएच जो है 5.5 to 6.5, और वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, वही सभी सभी के लिए वो है। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, तो टेम्परेचर है वो 13 to 15 इन समर, एंड आपका विंटर में जो है 10 to 11 डिग्री सेंटीग्रेड, और आइडियल टेम्परेचर 18 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करेंगे तो 18 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आइडियल है फॉर कार्नेशन कल्टीवेशन। लाइट इंटेंसिटी, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग डे प्लांट है ये, ध्यान रखेंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स इट रिक्वायर्स 13 आवर्स फोटो पीरियड, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो आपका 65 से कम नहीं होना चाहिए, किसी भी कल्टीवेशन में अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में करते हैं तो मोर देन 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। CO2 कंसंट्रेशन 500 to 750 ppm, ये भी मेंटेन करना जरूरी है प्रोटेक्टेड कंडीशंस में। फिर प्रोपोगेशन जो कॉमर्शियल है, इसका टर्मिनल कटिंग्स ध्यान रखना, पूछता कई बार प्रोपोगेशन इन कार्नेशन प्रो टर्मिनल कटिंग्स, तो टर्मिनल कटिंग्स जो है उसको कट करके हम प्रो ट्रे में कटिंग करते हैं। ग्रोइंग मीडिया जो यूज किया, कोकोपीट यूज कर सकते हैं, सो डस्ट यूज कर सकते हैं, और इसमें केवल ये जो है टर्मिनल कटिंग से ही प्रोपोगेट कर सकते हैं कार्नेशन। ये मेथड्स बताया है, ये कटिंग करके, ये आपको फोटोग्राफ्स के थ्रू बताया कि आपने पहले ट्रे में किया, उसके बाद ये रूटिंग जो हुआ प्लांट्स का, रूटेड कटिंग्स है, वो रूटेड कटिंग्स को हम लगाते हैं, तो प्रोपोगेशन मेथड टर्मिनल कटिंग्स। बेड प्रिपरेशन आपको मैंने रोज में भी बताया, जर्बेरा में बताया, वही आपका 1 मीटर का वेड होना चाहिए, लेंथ अकॉर्डिंग टू अवेलेबल स्पेस, एंड 30 to 45 सेंटीमीटर हाइट एट फ्रॉम ग्राउंड लेवल से 30 से 45 सेंटीमीटर क्यूई बेड होनी चाहिए। ये पहले भी मैंने बताया, ये बेड का बनाया फोटोग्राफ से आप इसको इजीली देख सकते हैं। फिर प्लांटिंग, तो प्लांटिंग जो है 25 यानी 1 मंथ ओल्ड जो रूटेड कटिंग्स है उसको हम प्लांटिंग कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट मेथड है, 4 रो 6 रो, ये रो देख रहे हैं, 4 रो 6 रो का मतलब होता है आप एक बेड में कितनी रो लगा रहे हैं, वही है 4 रो 6 रो इसमें आप लगा सकते हैं। तो जितना आपका विड्थ होगा उस पर डिपेंड करेगा ये कितने रो में चल रहा है, 1 रो 2 रो 3 रो, ये सिंगल रो नहीं लगेगी इसमें, मिनिमम 3 रो या 4 रो लगती है, और स्पेसिंग जो है 15 by 10 सेंटीमीटर, और वो भी डिपेंड करेगा आपका जो वेराइटीज है और सोइल कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो मेनली जो आपका 15 by 15 और 10 by 15 सेंटीमीटर पे इसको प्लांट करते हैं।
देन मेथड ऑफ प्लांटिंग। क्लियर नहीं आ रही है आवाज। हैं हेलो सर, आवाज क्लियर नहीं है सर। हाँ आवाज आ जाएगी अभी। फोटोग्राफ्स इसीलिए रखे हैं ना कि आपको क्लियर हो जाए सब चीजें, ये इतना लगाने का क्या जरूरत। नहीं तो ये मैंने बोला आपको जो रो सिस्टम बताया था, यहाँ पे रूटेड कटिंग जो है उसको हम लगाते हैं। ये रो जो लगाए यहाँ पे, रो दिख रही है आपको 1 2 3 4 5 6 रो, ये जो प्लांटिंग हो रहा है 6 रो सिस्टम है, ठीक है। तो आगे मैंने ये बताया है कि जो मेथड्स ऑफ प्लांटिंग, तो 4 रो सिस्टम और 6 रो सिस्टम, यानी कि एक बेड पर जितनी रो लेके चलते हैं उसी को ग्रोइंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो 4 रो सिस्टम हो सकता है, 6 रो सिस्टम होता है। इट इज डिपेंड्स ऑन विड्थ ऑफ बेड, आपका जितना बेड की चौड़ाई है उसी पे डिपेंड करेगा आपको 4 रो चलना है या 6 रो चलना है। और ये एडजस्ट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं 5 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन विड्थ ऑफ बेड और वेराइटी, ठीक है ना, किस तरह की वेराइटी है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो न्यूट्रोजन नाइट्रोजन जो है 250 ग्राम, उसके बाद में वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट आपका इसमें ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू इसमें इरिगेशन करते हैं। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं फोगर सिस्टम है, ये कंट्रोल फॉर कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और स्प्रेइंग मेथड भी आजकल यूज करते हैं। तो मेनली जो इसमें है ड्रिप इरिगेशन ही यूज करते हैं, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू। और उसका जो ये अलग अलग 10 मिनट या 20 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन प्रेशर, कितने प्रेशर पे आप वाटर छोड़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये ड्रिप के थ्रू हम इसमें इरिगेशन कर सकते हैं। स्पेशियल ऑपरेशंस, ये इम्पोर्टेंट है इसमें कार्नेशन में, पिंचिंग, पिंचिंग कंपल्सरी है इसमें, और डिफरेंट टाइप की पिंचिंग होती है, ठीक है ना, सिंगल पिंचिंग, हाफ पिंचिंग, ये सब अलग अलग मेथड्स हैं इसके अंदर। तो पिंच एंड हाफ मेथड, पिंच एंड ए हाफ, इट मींस आप जो पहले पिंच करेंगे उसके बाद जितनी ब्रांचेज आती हैं, ब्रांचेज आती हैं उसको फिर उसकी हाफ को हम पिंच कर देते हैं। तो पिंच एंड हाफ, यानी कि आपने फर्स्ट पिंच किया उसके बाद जो ब्रांचेज आई उसकी हाफ को हम फिर पिंच कर देंगे, तो हो गया पिंच एंड हाफ, ठीक है, समझ में आया ये फोटो से। आपने फर्स्ट पिंच किया उसके बाद जितने लेटरल्स आए उसमें से उसके हाफ को फिर से पिंच कर दिया, तो ये हो गया पिंच एंड हाफ, ए हाफ। और पिंच एंड ए हाफ ये दोनों यहाँ पे अलग अलग सिस्टम, आप 4 ब्रांच को भी कर सकते हैं, 6 लेटरल्स को भी करते हैं। फिर डबल पिंच, डबल पिंच मीन्स आपने फर्स्ट पिंच किया और जितने भी लेटरल्स आए उसको वापस से पिंच कर दिया, तो ये हो गया डबल पिंच, ठीक है। डबल पिंच में फर्स्ट पिंच किया जितने भी लेटरल्स आए उस सब को फिर से पिंच कर दिया, तो ये हो गया डबल पिंच, ठीक है। ये यहाँ ब्रैकेट में कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, 8 लेटरल्स यानी 8 आई सबको पिंच कर दिया, 16 लेटरल आई 16 को पिंच कर दिया, तो ये डबल और 3 तरह के हो गए, सिंगल पिंच, पिंच एंड हाफ एंड डबल पिंच, 3 टाइप्स की पिंचिंग हो गई कार्नेशन में, सिंगल पिंच, पिंच एंड हाफ और डबल पिंच। सिंगल पिंच यानी कि टर्मिनल पिंच को रिमूव कर दिया आपने, सिंगल पिंच हो गया, एक बार पिंच किया, आ गया समझ में। फिर बोला मैंने पिंच एंड हाफ, यानी कि जो आपने फर्स्ट पिंच किया उसके बाद फर्स्ट पिंच टर्मिनल करेंगे तो लेटरल ब्रांच चेंज आएंगी, मान लीजिए 4 ब्रांच आई तो 4 ब्रांच में से आपने 2 को फिर से पिंच कर दिया, और या मान लीजिए 6 ब्रांच आई उसमें से आपने 2 को पिंच कर दिया, तो ये हो गया आपका पिंच एंड हाफ। डबल पिंच यानी कि आपने पिंच किया उसके बाद 8 ब्रांचेज आई फिर 8 के 8 को पिंच कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया डबल पिंच। डिसबडिंग, डिसबडिंग रिमूवल ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स को जो है हम रिमूव करते हैं उसको डिसबडिंग। ये कई बार पूछता है डिसबडिंग, डिस शूटिंग, जो नाम से ही पता चलता है, डिस रिमूव करना तो बडिंग बोलेगा तो बर्ड्स को रिमूव करना, शूट को बोलेगा तो डिस शूटिंग को तो शूट को रिमूव करना, तो ये हो गया डिसबडिंग। देन प्लांट सपोर्ट, सपोर्ट मैंने आपको कारण इसमें लीलियम में बताया, वही नाइलॉन के जो ये रेडीमेड आते हैं, रेडीमेड नाइलॉन की नेट बनी हुई आती है, तो प्लांटिंग के टाइम में हम उसको बेड को स्प्रेड कर देते हैं उस पर, उसी में जो ये स्क्वायर बने होते हैं उसी के अंदर प्लांटिंग करते हैं, तो इस स्क्वायर के साथ ये साथ में चलता है प्लांट, ऊपर हम उसको बढ़ाते चलते हैं,
ठीक है, ऊपर चलते हैं। और दूसरे आपको मैंने बताया जीआई वायर से हम जैसे बाम्बू को यूज करते हैं साइड में और वायर डाल देते हैं, तो ये दोनों मेथड्स हैं। आप रेडीमेड नायलॉन नेट को यूज कर सकते हैं और बाम्बू वायर से भी इसको सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये सपोर्टिंग मेथड, यानी ये प्लांट को अगर नहीं करेंगे तो ये लॉजिंग होगा इसका, हर्बेसियस प्लांट है गिरेगा, इसलिए इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन, पेस्ट मैनेजमेंट, रेड स्पाइडर माइट्स आता है, माइट्स आपको ध्यान रखना है, माइट्स का है वो कंट्रोल भी मैंने आप लोगों को सब पहले से बता दिया दूसरी क्रॉप्स में। फिर एफिड्स है और थ्रिप्स है कंट्रोल, आप ये ध्यान रखिए जब भी कोई प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में थ्रिप्स माइट्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं ध्यान है ये दोनों डाल देना। फिर व्हाइट फ्लाई ये भी आता है, एफिड रेयर आता है, कम आता है, एफिड नहीं जितना, पर माइट्स और थ्रिप्स देन व्हाइट फ्लाई ये इंपॉर्टेंट। और इसके बाद निमेटोड, ये है जो इंपॉर्टेंट है। निमेटोड में आपको पता है उसका क्या क्या होता है, नीचे जो रूट्स में है वो गांठे बन जाती हैं, उसको आपका निमेटोड्स के अफेक्ट के कारण ये होता है। फिर डिजीज, डिजीज में फ्यूजेरियम विल्ट ये इंपॉर्टेंट विल्ट है, कारण ये कार्नेशन का जो डिजीज है फ्यूजेरियम विल्ट, इसमें क्या होता है आपका प्लांट ऊपर से धीरे धीरे सूख जाता है, इसमें रूट्स में फंगस लगती है, फंगस की वजह से विल्टिंग होती है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट डिजीज है और कार्नेशन फ्यूजेरियम विल्ट, ये ध्यान रखेंगे आप फ्यूजेरियम विल्ट। ये भी जो लीव्स हैं यहाँ पे ये देख रहे हैं सेकंड फिगर में, यहाँ पे स्पॉट्स बन जाते हैं, तो ये एक दूसरा है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, तो ये भी फंगल इन्फेक्शन है, तो इसके लिए आप फंजीसाइड्स यूज करेंगे, यहाँ बार बार बताने की जरूरत नहीं फंजीसाइड्स कौन कौन से, कंसंट्रेशन भी सेम है वही है, तो ये आप फंजीसाइड्स इसमें यूज कर सकते हैं। स्टेम एंड रूट बोरर, स्टेम एंड रूट रोट, स्टेम यानी रोटिंग होता है स्टेम में और रूट में भी, तो ये रोटिंग की वजह से ये डिजीज आती है। ठीक है, ये भी आपका फंगल इन्फेक्शन है, ये सभी डिजीज में जो है फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। देन ग्रे मोल्ड, ग्रे मोल्ड भी आता है इसमें, और बैक्टीरियल विल्ट, एक बैक्टीरियल विल्ट, और बड रोट, रस्ट एंड ब्लैक स्पॉट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान रखना सबसे ज्यादा फ्यूजेरियम विल्ट, विल्ट जो है वो इंपॉर्टेंट डिजीज है कार्नेशन का। देन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सबसे पहला आता है कैलिक्स स्प्लिटिंग, अब ध्यान रखना ये पूछते हैं हर बार कैलिक्स स्प्लिटिंग, कैलिक्स स्प्लिटिंग क्या होता है, इसमें जो कैलिक्स इसको बोलते हैं कैलिक्स है, स्प्लिट कर जाते हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये कई बार हर एग्जाम में पूछता है कैलिक्स, ये कैलिक्स स्प्लिटिंग इज द इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ किस क्रॉप का है, तो कार्नेशन, कैलिक्स स्प्लिटिंग किसका है, कार्नेशन का। ओके, देन ये किसकी वजह से होता है, इरेगुलर फ्लक्चुएशन टेम्परेचर में, फ्लक्चुएशन की वजह से ये डिजीज आपका होता है। क्लोजर स्पेसिंग, यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं तब भी ये होता है, लो बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और इसका कंट्रोल के लिए स्प्रे बोरोक्स एट द रेट ऑफ 0.1% एंड फ्लैश ऑफ रबर बैंड लगाते हैं, या आगे फोटोग्राफ्स होगा तो मैं बताऊंगा, ये जो बर्ड्स हैं बस बर्ड स्टेज में हम इसको रबर बैंड पहना देते हैं, उसकी वजह से कैलिक्स स्प्लिटिंग नहीं होती है, तो बोरेक्स का स्प्रे और रबर बैंडिंग ये इंपॉर्टेंट कंट्रोल है इसका। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बर्ड स्टेज में इसको हम केप पहना देते हैं, इससे स्प्लिटिंग नहीं होता। हार्वेस्टिंग एंड इल्ड, तो पेंट ब्रश स्टेज ये उसमें भी मैंने बोला था कलर में, तो ये जो जैसे ही आपका यहाँ पे ये बड है यहाँ पे इसमें कलर दिखाई दे, जैसे भी ये घड़ी के पास देखिए यहाँ पे जैसे ही कलर ब्रश स्टेज इसको बोलते हैं, कलर जैसे ही दिखाई दे उस टाइम उसको हार्वेस्ट करते हैं, तो इसका इम्पोर्टेंट पेंट ब्रश स्टेज, इसका कई बार पर्टिकुलर टाइम्स के नाम से पूछता है, तो पेंट ब्रश स्टेज इस पे इसको हार्वेस्टिंग करना चाहिए। ठीक है, और ये सिंगल टाइप में और स्प्रे टाइप जो है 2-3 ओपन फ्लावर इन ईच स्टेम, जैसे ये यहाँ पे ओपन होता है 2-3 फ्लोरेट्स उसी टाइम उसको हार्वेस्ट करना चाहिए। फिर यील्ड है स्टैंडर्ड टाइप में 300-350 फ्लावर्स
स्टिक आता है, इसमें भी सिंगल लूज फ्लावर नहीं है, स्टिक आती, स्टेम आती है, वो पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और स्प्रे टाइप में 250 फ्लावर्स पर स्क्वायर मीटर,